न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। एक दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री, गुरु गोरखनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का विधिवत पूजा अर्चना कर माथा टेक कर लिए आशीर्वाद। राजकीय शोक के कारण स्थगित हुए गोरखपुर महोत्सव का समापन 14 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि, तो अनुराधा पौडवाल और सिंगर के सुरों से सजेगी महफिल। मंडलायुक्त ने कहा, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और उठाएं मनोरंजन का लुफ्त। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, शहर में चल रही विकास योजनाओं और कार्यों का जाना हाल। खिचड़ी मेले की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी रेंज की अध्यक्षता में हुई बैठक, कमिश्नर डीएम एसएसपी रहे मौजूद, चाक चौबंद रहेगी सुरक्षा, पीएसी और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर रहेंगे मौजूद। खिचड़ी मेले की तैयारियों पर कमिश्नर जैन नालिकर ने कहा, तैयारियां पूरी, मेले को बनाया गया है प्लास्टिक फ्री जोन। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन भोजपुरी नाइट से खादी ड्रेस पहन मॉडलों ने बिखेरा जलवा, कॉमेडी नाइट्स में गजोदर भैया यानी राजू श्रीवास्तव ने अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने मंदिर परिसर में बनाया टिकट काउंटर, सीपीआरओ ने बताया चलेगी 2 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें। एडीजी जोन बनाए जाने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बोले नी वर्तमान एडीजी रेंज जय नारायण सिंह, गोरखपुर की जनता, अधिकारी, कर्मचारियों, मीडिया और जनप्रतिनिधियों का मिला भरपूर सहयोग, पूरे मंडल में गिरा है अपराध का ग्राफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने किया जनपद में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा, गौ संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला पंचायत बोर्ड की बैठक, विकास कार्यों के बजट को लेकर सदस्यों के विरोध के बाद अगली तारीख तक बैठक हुई स्थगित। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की सुरक्षा व्यवस्था गोरखपुर पुलिस के हाथों में, चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे और पुलिस जवान रखेंगे निगाह, 55 सीसीटीवी कैमरे और 8 वॉच टावरों से कवर है मेला परिसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार मेला प्रबंधन एवं नगर निगम ने गोरखनाथ मंदिर परिसर को पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र किया घोषित, बैनर पोस्टर लगाकर दिए जा रहे हैं संदेश। और मकर संक्रांति पर लगने वाले खिचड़ी मेले में खिचड़ी चढ़ाने नई दिल्ली से पहुंचा 50 भक्तों का जत्था, हर साल आते हैं बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने।